हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईआर जुगाड़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो है लोहे का जो फ्लैंज होता है उसमें होल का मार्किंग कैसे करेंगे, जो कि एक टर्नर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने जो है अपने कापी पर जो है एक फ्लैंज बना लिया है, जिसका 200 ओडी है, अल्ट्रा डाया 100 mm और आईडी है 60 mm। आप देख सकते हैं, अब इसका फ्लैंज में होल की मार्किंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को पीसीडी निकालना पड़ेगा। पीसीडी निकालने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा जो है अल्ट्रा डाया 100 mm है और इनर डाया 60 mm है। 100 में से 60 घटा देंगे दोस्तों, 40 mm आएगा। 40 mm को सेंटर पर रखकर अपने कंपास से इसमें एक सर्कल बना लेंगे, जिससे हमारा पीसीडी निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके ऊपर कंपास से माप ले लिया है। अब इसको जो है अपने फ्लैंज में बीच सेंटर में रख के अब इसका जो एक सर्कल बना लेंगे, जिससे हमारा पीसीडी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से, ये हमारा पीसीडी आ गया दोस्तों 80 mm। आप देख सकते हैं, इसको हम लोग दर्शा देंगे। पीसीडी दोस्तों 80 mm है, आप देख सकते हैं। इस फ्लैंज में दोस्तों हम लोगों को होल की मार्किंग करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है कॉर्ड लेंथ पता होना चाहिए। कॉर्ड लेंथ हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसका सूत्र कॉर्ड लेंथ B = D * sin 360 ° (2n). इसका सूत्र होता है दोस्तों। PCD दोस्तों हमारा आया है, PCD हमारा 80 mm है, आप देख सकते हैं। और इस फ्लैंज में को कितना होल करना है, नंबर ऑफ होल 5 होल करना है इसमें हम लोगों को, उसको लिख देंगे। अब इसको दोस्तों हम लोग जो है इस सूत्र में रख देंगे और इसको हल करेंगे। B = D का मान हम लोगों का 80 है, 80 रख देंगे, (sin 360/2), (n) का मान हम लोगों का 5 है। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, B = 80 * sin, इसको जो है 5 × 2 = 10, 10 से काट देंगे, 36 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो है हम अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लिया है। कैलकुलेटर में हमने दोस्तों साइन टाइप कर देंगे और उसमें जो है 36 लिख देंगे, जिसका मान आएगा दोस्तों 0.5877। अब दोस्तों जो है हम लोग का जो PCD निकला है 80, इससे गुणा कर देंगे दोस्तों। पूरा करने के बाद दोस्तों हम लोग का जो मान आएगा 47.02 आए। हम लोग का दोस्तों जो कॉर्ड लेंथ निकला है 47.02 निकला है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसको दोस्तों हम जो है अपने स्केल पर इसको जो है माप लेंगे, उसके बाद जो है इस पर दर्शाएंगे। 45, 47, अब दोस्तों जो है हमारा फ्लैंज है वहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे किसी पर भी, जो PCD पर जो PCD निकला है कहीं पर भी ले लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, अब यहाँ से दोस्तों हम अपना कंपास रखेंगे ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। उसी तरह से आगे करते चले जाएंगे हम लोग। बराबर निकला है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों
देख सकते हैं 5 होल निकला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। थैंक यू।